नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज़। और जैसे कि हम सब जानते हैं, चुनाव के नामांकन की प्रतिक्रिया पूरी हो चुकी है और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं खरखोदे में। और हमारे साथ है यहां के एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही पॉपुलर उम्मीदवार रमेश चंद ठेकेदार जी। पहले कोई चुनाव नहीं लड़े और हम स्कूलों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। धार्मिक संस्थाएं जी या अच्छी प्रकार की हमने पब्लिक की सेवा भी की है और सेवा के उद्देश्य से ही हम खड़े हुए हैं ताकि हमारा कस्बे का पैसा हमारे कस्बे में व्यतीत हो। आप किसी पार्टी जुड़े हुए हैं? नहीं, हम निर्दलीय ही लड़ रहे हैं। पार्टी से हम इसलिए नहीं जुड़े कि हमारा इस कस्बे में सब पार्टी वालों से सम्मान है और हमने यहाँ जो भी कार्य किया जी वो निष्पक्ष किया, किसी पार्टी के प्रपंच से नहीं किया गया। हम इसलिए लड़ रहे हैं चुनाव कि हम अपने कस्बे में जो आज तक कार्य हुए हैं जी, गड्ढे, बीमारी फैलने का खतरा, सड़क भी ठीक प्रकार के नहीं, वो पैसा पूरा पैसा नहीं लगता, हम तो सिर्फ इस देह से लगे जो हमारे कस्बे की स्थिति सुधर जाए जी। आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में समस्या क्या क्या हैं? एक समस्या यू है, हमारे कस्बे के चारों तरफ झोड़े और पानी भरा रहता है जी। पानी निकासी की बहुत प्रकट समस्या है यहाँ पर। पानी निकासी की नहीं है जी। और बिल्कुल, और गंदगी चारों तरफ है जी। हम इस देह से खड़े हुए कि हमारे कस्बे का सुधार हो, स्वच्छता के साथ हमारी जनता में कोई बीमारी ना फैल सके, तो हम ये चाहते हैं। हमारा हम पब्लिक ने हमसे कहा कि इसका सुधार तुम कर सको जी, तो इसलिए हम यहाँ खड़े हो गए। हम यहाँ की जनता का फैसले पर और उन्हीं के आदेशों पर खड़े हुए हैं जी। उन्होंने हमसे ये कहा कि तुमसे अच्छा कैंडिडेट अब जो खड़े हैं है नहीं कोई, ये जनता ने कहा है, मैंने नहीं कहा जी। सर, उनके कहने से और उनके आशीर्वाद से ही मैं खड़ा हुआ हूँ और उनके हर समस्या का समाधान करूँगा और उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूँगा और मैं उनसे वोट मांगता हूँ।